तो हेलो दोस्तों हाँ अब बिना लिखित परीक्षा भी बन सकेंगे शिक्षक तो ये खबर बिल्कुल पक्की है कि अब आप बिना लिखित परीक्षा के भी शिक्षक बन सकेंगे उसके लिए आपको कुछ जरूरी आहताएँ पूरी करनी है बस यानी क्या है जो आपकी मुख्य चीज़ें जो है मुख्य एजुकेशन जहाँ पे आपको जरूरत है वो होनी चाहिए उसके बगैर आप बिना लिखित परीक्षा के भी शिक्षक बन सकेंगे तो हेलो दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके चैनल स्टडी विद एल के पे अगर आप दोस्तों पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान को दबा लीजिए जिससे क्या हो कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको हमारी जानकारी मिल सके अगर आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती यू पी टेट सी टेट आदि की तो हमसे जुड़ें और तैयारी करें हमारी वीडियो भी देख सकते हैं आपको नीचे प्ले मिल जाएगी वहाँ से अगर आप वीडियो देखिए अगर आज आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वरना मत कीजिएगा तो चलिए अब आते हैं अपनी मेन जानकारी पर और बताते हैं क्या है हमारी जानकारी तो चलिए शुरू करते हैं जान लेते हैं क्या कुछ है तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक न्यूज कटिंग है यहाँ पे कहा गया है कि टीटी पास मृतक आश्रितों को लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी यानी कि भैया जो मृतक आश्रित हैं लगभग दस हजार मृतक आश्रित विभाग में नौकरी कर रहे हैं और क्या है कि औसतन तीन से तीन सौ पचास अधिकारी कर्मचारी शिक्षकों की हर साल मौत होती है तो चलिए अब ऐसे तीन साल से क्या हुआ है कि भर्ती नहीं हुई है तो चलिए देखते हैं इन पे क्या मतलब इन्होंने हमारे जो मंत्री जी हैं डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी जी ने क्या कहा इन्होंने अभी पहले भी घोषणा की थी अगर हायर एजुकेशन आप रख रहे हैं और आपके पास बी टी सी बी एड या कुछ नहीं है तो आप अब चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी की नौकरी नहीं पाएंगे बल्कि लिपिक या क्लर्क बनेंगे तो यहाँ पे भी आज फिर घोषणा की इन्होंने कहा है कि टीटी -टी पास मृतक आश्रितों को भर्ती में लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने कहा है कि बस बताते हैं टीटी होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए दो साल का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए तभी आप बन सकेंगे शिक्षक ये देखिए वही जो मृतक आश्रित अभी डीएलएड बी कर रहे हैं तो उन्हें लिपिक के पद पर नियुक्त दी जाएगी और बाद में टीटी पास करने पर शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाएगा तो ये बहुत अच्छी खबर है जिन लोगों के पास मतलब बीएड और डीएलएड है तो उनको क्या है सिर्फ आप टी ही पास करना है यानी बी है तो सिर्फ उत्तीर्ण कर चुके हैं तो उन्हें शिक्षक भर्ती यानी लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी तो दोस्तों बहुत ही अच्छा खबर है स्वागत योग्य खबर है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत